वेलकम बैक टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है जोड़ी अब हिरन के बच्चे के विचारों में खो जाता है और वो अपने पापा से परमिशन लेता है कि क्या मैं हिरन के बच्चे को जो है वो वापस घर पे ला सकता हूँ। तो उसके पापा उसको परमिशन दे देते हैं। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। कैन आई राइड बैक विद मील व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। वह अपने पापा से पूछता है कि क्या मैं मील व्हील के साथ जो है जा सकता हूँ, पीछे बैठ के राइड कर सकता हूँ उनके साथ में, और उन जो हिरन का बच्चा है उसको फाइंड कर सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो उसके पापा ने कहा कि तुम अपनी माँ को बता दो कि मैंने तुम्हें जो है जाने की परमिशन दे दी है। ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वह जो है चुपचाप दुबक के जो है पीछे हटा और टेबल के पास बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन। उसकी माँ जो है सबके लिए कॉफ़ी भर रही थी कप में। ही सैड माँ पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउन। उसने कहा कि माँ पापा ने कहा है कि मैं जो है हिरनी के बच्चे को घर घर ला सकता हूँ, लाने के लिए जा सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। उसने जो है कॉफ़ी बहुत ही हल्के से पकड़ी, कॉफ़ी पॉट को बहुत ही हल्के से पकड़ा हुआ था। व्हाट फाउंड। उसने क्वेश्चन करते हुए कहा कि फाउन क्या। द फाउन बिलोंग टू द डो वी किल्ड। उसने कहा कि वो जो फाउन है वो उस हिरनी से बिलोंग करता है जिसको हमने मार दिया। वी यूज टू डो लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उस हिरनी के लीवर को यूज किया है, तुम्हारे पापा का लीवर तुम्हारे पापा के का पॉइजन निकालने के लिए। सी गेस्ड। वह हाँपने लगी। वेल फॉर पिटी सेक। वह जो है उससे हमदर्दी जताने लगी हिरनी से। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रेव। उसने कहा कि जो है उसको इस तरह से भूखा छोड़ देना सही नहीं होगा। इस तरह से उसने जवाब दिया। डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन क्वाइट फ्री द बॉय राइट एंड हिज डैडीज राइट। उसने कहा, डॉक्टर विल्सन ने कहा कि यही सही होगा मैम, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, लड़का और उसके पापा दोनों ही सही हैं इस जगह पे। मील व्हील ने कहा ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। उसने कहा कि मैं जो है उसकी हेल्प करूँगा हिरनी के बच्चे को फाउन को पाने में, वो जो है मेरे पीछे बैठ के राइड कर सकता है। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। उसने बिना किसी की हेल्प लिए जो है नीचे रख दिए कॉफ़ी के पॉट को। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अगर तुम अपना दूध उसे दे दोगे तो हमें कुछ भी और उसको खिलाना पिलाना नहीं पड़ेगा, उसको फीड नहीं करना पड़ेगा। मील व्हील सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मील व्हील ने कहा कि चलो आओ लड़के, हम जो हैं राइड पे निकलते हैं। माँ बक्स्टर आस्क एनेक्सेसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। माँ बक्स्टर ने चिंतित तरीके से पूछा कि आप जो हैं ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे। जोडी सेड, जोडी ने कहा
कहा आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। उसने कहा कि मैं जो है डिनर से पहले पक्का आ जाऊंगा। मील विल माउंटेड माउंटेड हीज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम। मील विल ने अपने अपने जो है घोड़े को फॉर्म में लिया और जो है जोड़ी को अपने पीछे बिठाया। ही सेड टू मील विल डू यू थिंक द फाउन स्टिल देर। उसने जोड़ी ने जो है कहा कि क्या तुम सोचते हो कि अभी भी फाउन वहाँ पे होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसको पाने। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। अगर वह जिंदा है तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें मिल जाएगा। हाउ यू नो इट्स अ ही, तो जो वो जो मील वील है उसने पूछा कि तुम कैसे जानोगे कि वह वही है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन ए डो फाउन पासेज। उसने कहा कि पापा ने कहा था कि जो उसके स्पॉट उस डो के बच्चे पे जो स्पॉट हैं वो एकदम लाइन में हैं, एक लाइन में हैं। द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, हर तरीके से जो स्पॉट्स जो है हिरनी के बच्चों पे हर तरीके से होते हैं, लेकिन उसके उस बच्चे पे जो स्पॉट्स हैं वो एक लाइन में हैं, तो मैं उसे पहचान जाऊंगा। ओके स्टूडेंट, ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इस स्टोरी का। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। ये आपको जो है रीड आउट करना है, और यहाँ पे जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वो आपको जो है अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।